नमस्कार, क्लीन न्यूज गोड्डा में आपका स्वागत है। हम जानेंगे इस चैनल के माध्यम से गोड्डा और गोड्डा के आसपास की मुख्य खबरें। खबर है गोड्डा से। गोड्डा सदर प्रखंड के खटनई बॉर्डर पर प्रशासन की सख्ती जारी, बगैर ई पास के वाहनों को नहीं मिल रहा है पास। खबर है गोड्डा और दुमका से। गोड्डा दुमका के 6 प्रवासियों को लेकर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। तो जानते हैं पूरी खबर को। लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र में फंसे झारखंड राज्य के 1246 प्रवासी रविवार को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से रांची पहुंची। उसके बाद संताल के 6 यात्रियों को शाम 4:40 पर जसीडीह जंक्शन पहुंची। खबर है गोड्डा बाजार से। गोड्डा बाजार में राखी खरीदने के लिए उमड़ी बहने। तो जानते हैं पूरा खबर। कोरोना संक्रमण काल में लगभग हर पर्व त्यौहार प्रभावी है, यहां तक कि सावन भी इस बार फीका रहा। वहीं दूसरी ओर सावन की अंतिम सोमवारी के साथ पूर्णिमा और रक्षाबंधन को लेकर शहर में बाजार में रौनक रही। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन को लेकर बहन का प्रेम भाई के लिए साफ झलक रहा है। रक्षाबंधन को लेकर बहन अपने सहयोगियों के साथ खरीदारी की। खबर है गोड्डा के पोड़ियाहाट प्रखंड के मर्सी हॉस्पिटल से। कोरोना को मात देकर पोड़ियाहाट मर्सी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल से क्रमशः पोड़ियाहाट, मोहनपुर एवं पुलिस लाइन के 3 लोगों को प्रखंड कार्यालय प्रबंधक अभिषेक कुमार एवं मर्सी हॉस्पिटल के इंचार्ज घर को वापस भेजा गया। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर एवं ग्लव्स दिया गया। पोड़ियाहाट के विधायक श्री प्रदीप यादव ने सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दिए। फिर एक बार गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए हैं, एक के बाद आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के हितों के खिलाफ निर्णय हुए हैं। चाहे संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करना हो या वर्गों के लोगों को असुरक्षित करना हो, आखिर मोदी जी यह कब तक? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, पद की गरिमा बनाए रखिए। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे फेसबुक के माध्यम से बोले कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर कांग्रेस, झामुमो व राजद के जिन नेताओं ने मुझे व्यक्तिगत गाली दी, वे सभी आज देवघर मंदिर पूजा करने गए। दोहरा चरित्र व झूठ का साम्राज्य, जय शिव। एक बार फिर डॉक्टर निशिकांत दुबे जानकारी देते हुए बोले कि पंडा धर्मरक्षिणियों के महामंत्री ने पिछले 2 दिनों से उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ बिना जानकारी के जो विष उगला है, यह सभी कैसेट में उच्चतम न्यायालय को दूंगा। मुझे पता है कि इसके बाद मंदिर में केवल सरकार के ही लोग बैठ पाएंगे, लेकिन मैं गाली गलौज सुनकर चुप नहीं बैठना चाहता। सीएम के बचाव में आए कांग्रेस, निशिकांत नहीं डाल रहे हथियार। तो जानते हैं क्या है पूरा मामला। कांग्रेस झूठ का समर्थन कर सच को बदल नहीं सकती, मैं सिर्फ सच्चाई बयां कर रहा हूँ जो जनता तक पहुँचनी चाहिए। मुझ पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर कोई अपने पापों से बच नहीं सकता, यह निशिकांत दुबे का कहना है। मोहनपुर के युवाओं ने बना डाली 1 किलोमीटर सड़क। तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा, मोहनपुर के युवाओं के इस महान कार्य के लिए ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरे तरफ से प्रयास जारी है, मैं गाँव में शीघ्र पक्की सड़क बनवाने का प्रयास करूँगा। विश्व आदिवासी दिवस पर हो राजकीय अवकाश। फिर एक बार डॉक्टर निशिकांत दुबे अपने फेसबुक अकाउंट से जानकारी देते हुए बोले कि त्रेता युग से चली आ रही परंपरा बाबा बैद्यनाथ जी के आशीर्वाद से बच गई। श्रावण मास के आखिरी सोमवार ही सही लोगों को पूजा करने का मौका मिला। पुनः माननीय उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बधाई देते हुए बोले कि भाई बहन के अटूट प्रेम की निशानी रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।